दोस्तों हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स एक इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है. वी ऑल्सो नो दैट दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन अ फील्ड कॉल्ड क्यू. और क्यू क्या है? ये फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है. अब अगर हम इस फील्ड को ध्यान से देखें तो इस फील्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में है, p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो यहां देखने से हमें क्या पता चला? एक इंटीग्रल डोमेन ने एक फील्ड को जनरेट किया, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट्स कहां से थे? इंटीग्रल डोमेन से थे, z से थे. तो एक इंटीग्रल डोमेन ने एक फील्ड को जनरेट किया जो रैशनल्स की फॉर्म में है, p बाय q की फॉर्म में है. और इस फॉर्म को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि ये क्वोशेंट्स की फॉर्म में है, इसीलिए हम इस फील्ड को बोलते हैं फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स. तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स को जनरेट कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, अलाइलन के इस लेक्चर में आपका स्वागत है. इसी सवाल का जवाब देते हुए इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, इससे रिलेटेड एक रिजल्ट भी प्रूफ करेंगे. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर को पूरा देख पाएंगे. अगर आपके पास इस लेक्चर को पूरा देखने का टाइम नहीं है तो प्लीज इस लेक्चर को स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि ये एक वन गो में देखने वाला लेक्चर है. अगर आप इसको ब्रेक ले लेके देखेंगे तो आप इसके कॉन्सेप्ट को और इसकी थ्योरम को नहीं समझ पाएंगे. पूरा थ्योरम को ढंग से समझने के लिए इस पूरे लेक्चर को एक साथ देखना जरूरी है. तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर को पूरा देखिए. तो आज हम बात करेंगे फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स की. देखिए हमारी थ्योरम क्या कहती है. लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, देन देयर एग्जिस्ट अ फील्ड एफ कॉल्ड द फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स ऑफ डी that contains a subring isomorphic to D. So friends, आपको उस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया कि yes, हम किसी भी इंटीग्रल डोमेन से एक फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स को जनरेट कर सकते हैं जिसको हमने यहां पर f नाम दिया. और हम इतना ही नहीं, हम इसके आगे भी बढ़ सकते हैं. वो जो फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स होगा उसके अंदर एक सबरिंग हमें मिल जाएगी जो इंटीग्रल डोमेन डी से आइसोमॉर्फिक होगी. इसका मतलब यहां पर कुछ इस टाइप से हुआ. एक ये मेरे पास डी है जो कि इंटीग्रल डोमेन है. इसका मतलब ये क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. इससे हमने एक फील्ड जनरेट करी एफ, जिसको हमने नाम दिया फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स. अब हम देखेंगे कि इस फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स के अंदर हमें एक सबरिंग मिलेगी जो कि इंटीग्रल डोमेन डी के साथ आइसोमॉर्फिक होगी. यानी कि अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं से एस, तो एस इज आइसोमॉर्फिक टू डी. दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम ऑन फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स. मैं रिपीट करता हूं, किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए हमारे पास फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स मिल जाएगा. बेसिकली एक ऐसी रिंग मिलेगी जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिविटी तीनों को सेटिस्फाई करेगी, यानी फील्ड कहलाएगी. इतना ही नहीं, हमें एक आइसोमॉर्फिज्म भी मिलेगा जो कि एक सबरिंग के पास होगा फील्ड की. फील्ड की सबरिंग लीजिए और इंटीग्रल डोमेन डी लीजिए, ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक भी होंगे. अब देखिए इसका जो प्रूफ है उसको मैं तीन स्टेजेस में करूंगा. स्टेज वन का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फील्ड एफ. हम जो ये फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स है इसको बनाएंगे. स्टेज टू में हम प्रूफ करेंगे कि जो एफ है वो एक फील्ड है. और स्टेज थ्री में हम ये आइसोमॉर्फिज्म निकालेंगे. सो दीज आर द थ्री स्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो आप इसको आराम से देखिए और एग्जाम में जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए. तो चलिए स्टेज वन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एफ. लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन कहने का मतलब क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. डिफाइन एस ए इज इक्वल टू
a by b where a comma b belongs to d and b is not equal to 0. तो मैंने a कोई सेट डिफाइन किया जिसके अंदर a by b की फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, a और b मेरे डोमेन से आ रहे हैं और b नॉन जीरो है। ये देखिए, आप ध्यान रखिए, ये Q का स्ट्रक्चर है, सेट ऑफ रैशनल्स का स्ट्रक्चर है। जो लॉजिक सेट ऑफ रैशनल्स को बनाने में लगा है उसी लॉजिक के साथ हम चल रहे हैं। जो यहां पर फील्ड की कंस्ट्रक्शन होगी वो जैसे रैशनल इंटीजर से बनते हैं उसी कंस्ट्रक्शन को लेकर हम काम करेंगे। अब यहां पर हम एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन अ रिलेशन ऑन ए एज ए बाय बी इज रिलेटेड टू सी बाय डी इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। रैशनल्स के अंदर ऐसा ट्रू है, 2/4 और 4/8 आपस में रिलेटेड हैं। ये देखिए, आप इनका प्रोडक्ट कीजिए, 8/2 = 16 और इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 4/4 = 16। तो ऐसे ही जैसे रैशनल्स में ट्रू होता है वैसे ही सेम लाइंस पर हमने यहां पर एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो a by b c by d से कब रिलेट करेगा, जब प्रोडक्ट ad प्रोडक्ट bc के इक्वल होगा। वी assert दैट द रिलेशन डिफाइंड अबव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले मैं ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस की तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। देखिए, कोई भी एलिमेंट ए बाय बी अपने आप से रिफ्लेक्सिव होगा इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये डेफिनेशन से आया। रिफ्लेक्सिव में मुझे क्या चेक करना है कि ए का कोई भी एलिमेंट ए बाय बी इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। ए बाय बी इज रिलेटेड टू ए बाय बी इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये क्यों ट्रू है, क्योंकि डी क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। विच इज ट्रू बिकॉज डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं, कॉमोटेटिव होते हैं। तो डी क्या हुआ, कॉमोटेटिव हुआ। तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों डी के एलिमेंट हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी को प्रूफ करते हैं। सिमेट्रिसिटी क्या बोलती है, अगर दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, ए बाय बी इज रिलेटेड टू सी बाय डी, तो सी बाय डी भी ए बाय बी से रिलेट करेगा। अब देखिए, ए बाय बी इज रिलेटेड टू सी बाय डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इज इक्वल टू बी सी, डेफिनेशन कहती है। तो इसकी ऐसे ही c by d और a by b रिलेशन लाना है तो क्या होना चाहिए मेरे पास, cb is equal to da। इन दोनों को उल्टा लिख सकता हूं, bc is equal to ad, I can write it as like this also। अब देखिए, क्योंकि d कॉम्यूटेटिव है तो bc को क्या लिख सकता हूं, cb, और ad को क्या लिख सकता हूं, da। यही चाहिए था मुझे। सो आवर रिलेशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या लेट करेंगे, ए बाय बी इज रिलेटेड टू सी बाय डी एंड सी बाय डी इज रिलेटेड टू एक्स बाय वाई, टू शो ए बाय बी इज रिलेटेड टू एक्स बाय वाई। अब देखिए, ये आपस में रिलेटेड हैं तो ये क्या देगा मुझे, AD is equal to BC, क्योंकि कंडीशन ही यही है। और ये क्या देगा, CY is equal to DX, और मुझे लाना क्या है, AY is equal to BX। तो मुझे A और Y में रिलेशन चाहिए, यानी कि A into Y चाहिए, बट मेरे पास क्या है, A into D। सो बहुत ध्यान से यहां पर मैं एक चीज को कंसीडर करने के लिए लिख रहा हूं, कंसीडर AY D। अब ये देखिए, मैंने ऐसा क्यों कंसीडर किया, ए वाई मुझे चाहिए था और मेरे पास जो रिलेशन में है वो ए डी साथ में है, तो मैंने तीनों को ले लिया। एसोसिएटिव लॉ से मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब वाई डी में कॉमोटेटिव लॉ लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ए डी वाई। दोबारा से एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं तो ये बन जाएगा ए डी वाई। मैं यहां लिख नहीं रहा बट बहुत ऑब्वियस है। अब देखिए,
एडी किस चीज के इक्वल है, बीसी के इक्वल है, तो मैं एडी को बीसी से रिप्लेस कर देता हूं, इट विल बी बीसी वाई, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं, तो बी और सी वाई एक साथ आ जाएगा, सी वाई डीएक्स के इक्वल है, तो इट विल बी बी डीएक्स, डीएक्स में फिर से कॉमोडेटिव लॉ लगाते हैं तो इट विल बी बी एक्स डी, अब इसमें फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं तो ये बनेगा बी एक्स डी, तो यहां से क्या आया ए वाई डी इज इक्वल टू बी एक्स डी, और डी क्या है, डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल डोमेन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और डी कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है क्योंकि डी डिनोमिनेटर में है, हमने ए को डिफाइन करते हुए डिनोमिनेटर के एलिमेंट को नॉन जीरो रखा था, तो ये सारे बी डी वाई ये तीनों ऑटोमेटिकली नॉन जीरो हैं। एज डी इज एन इंटीग्रल डोमेन कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन डी, तो कैंसिलेशन लॉ लगाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, यही चाहिए था, तो इसका मतलब जो ये रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, तो सेट ए पर मेरे को एक इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस ऑल्सो, नाउ लेट एफ बी द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए अंडर द रिलेशन एंड डिनोट द इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स बाय वाई बाय ब्रैकेट एक्स बाय वाई। देखिए एफ कोई भी मैंने सेट ले लिया इन इक्विवेलेंस क्लासेस का, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो अपने आप इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करेगा, तो जो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस आई उन सबको इकट्ठा करके एक नाम दिया एफ, उनके कलेक्शन को एक नाम दिया एफ, तो एफ क्या हो गया इज अ कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स बाय वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी एंड वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इज माय सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। अब देखिए स्टेज वन मेरी यहां पर कंप्लीट हो जाती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफ, मैंने एफ को बना लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टेज टू, दैट इज आई विल प्रूव एफ इज अ फील्ड, ये थोड़ा लंबा काम है, फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखियो एफ को फील्ड दिखाने के लिए मुझे इसके ऊपर ऑपरेशंस डिफाइन करने होंगे, तो सबसे पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन एफ बाय ए बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी बाय बी डी, दिस इज एडिशन, एंड ए बाय बी इंटू सी बाय डी इज इक्वल टू ए सी बाय बी डी, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, तो हमने एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर दिया। अब ये देखिए RHS में BD नॉन जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने लिया है हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोट करनी है, नोट दैट दिस इज पॉसिबल बिकॉज D इज एन इंटीग्रल डोमेन। देखिए D इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब क्या है, D के अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब अगर BD जीरो होगा तो या तो B जीरो होगा या D जीरो होगा, बट हमारे पास क्या है, ना तो B जीरो है ना ही D जीरो है, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है तो दोनों नॉन जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट BD आएगा ये भी जीरो नहीं है, इसका मतलब जो RHS हमने डिफाइन किया है ये ठीक है, बट क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन सेम होती है तो इसलिए हम चेक करेंगे कि ये जो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन किए हैं ये वेल डिफाइन है कि नहीं। जब भी आप कोई भी ऑपरेशन डिफाइन करें या कोई भी मैपिंग डिफाइन करें तो आप ये जरूर करके दिखाइए कि वे ऑपरेशंस जो हैं वो वेल डिफाइंड हैं, एग्जाम में कभी मिस मत कीजिए ये चीज। नाउ
वी शो दीज आर वेल डिफाइंड ऑपरेशंस, दीज ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है आप उनके एलिमेंट्स इक्वल लीजिए, फिर उनकी इमेजेस इक्वल दिखाइए। तो वेल डिफाइंड शो करने के लिए मैं दो एलिमेंट लेता हूं, लेट a by b इज इक्वल टू a डैश by b डैश एंड c by d इज इक्वल टू c डैश by d डैश। अब देखिए इनकी इमेजेस क्या बनेंगी, a by b प्लस c by b से क्या मिलेगा मुझे, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी, भाई ये इमेज आ जाएगी। और अगर मैं डैश वाले एलिमेंट्स लूंगा तो ये इमेज आएगी, बस ऊपर डैश आ जाएगा। तो मुझे ये शो करना है कि ये दोनों इमेजेस इक्वल हैं, तभी मेरा एडिशन वेल डिफाइंड होगा। अब देखिए ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डैश डी डैश प्लस बी डैश सी डैश अपॉन बी डैश डी डैश इफ दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात है, तो कंसिडर करते हैं ए डी प्लस बी सी इंटू बी डैश डी डैश। आपको समझ आया होगा कंसिडर कैसे किया मैंने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके। इसको ब्रैकेट को खोलता हूं, सो इट विल बी ए डी बी डैश डी डैश प्लस बी सी बी डैश डी डैश। अब देखिए इसको रीअरेंज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश इंटू डी डी डैश प्लस बी बी डैश इंटू सी डी डैश। अब देखिए ए बाय बी ए डैश बाय बी डैश के इक्वल है, तो ये क्या देगा मुझे, ए इंटू बी डैश इज इक्वल टू बी इंटू ए डैश। ऐसे ही यहां से मिलेगा सी इंटू डी डैश इज इक्वल टू डी इंटू सी डैश। तो ए बी डैश की वैल्यू लिख सकता हूं मैं बी ए डैश, और सी डी डैश की वैल्यू डाल सकता हूं डी सी डैश। अब कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश डी डैश बी डी कॉमन आ जाएगा प्लस बी डैश सी डैश। तो ए डी प्लस बी सी बी डैश डी डैश इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लासेस इक्वल हैं, दिस विल इंप्लाय ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डैश डी डैश प्लस बी डैश सी डैश अपॉन बी डैश डी डैश। ये मैंने एडिशन दिखाया वेल डिफाइंड है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, अगर मैं दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इमेज मिलेगी ए सी बाय बी डी। तो मल्टीप्लिकेशन मुझे उनकी इमेजेस इक्वल दिखानी है, तो यानी कि ए सी बाय बी डी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन बी डैश डी डैश, ये मुझे इक्वल लाना है। तो देखिए यहां पर क्या कंसिडर करेंगे, ये आप आराम से गैस कर सकते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए सी बी डैश डी डैश। सो दिस विल इक्वल टू, रीअरेंज करते हैं इसको, ए के साथ मुझे क्या चाहिए बी डैश, सो ए बी डैश सी डी डैश। ए बी डैश की वैल्यू क्या है बी ए डैश, सी डी डैश की वैल्यू क्या है डी सी डैश। तो इसको फिर से रीअरेंज करता हूं तो क्या आएगा बी डी ए डैश सी डैश। अब देखिए ए सी बी डैश डी डैश इज इक्वल टू बी डी ए डैश सी डैश, दिस विल इंप्लाई ए सी बाय बी डी ये नीचे चला जाएगा इधर इज इक्वल टू ए डैश सी डैश बाय ये नीचे चला जाएगा बी डैश डी डैश, और जो इनसे इक्विवेलेंस क्लासेस जनरेट होंगी वे भी इक्वल होंगी। तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया कि जो ऑपरेशंस हैं ये वेल डिफाइंड है, सो दीज आर वेल डिफाइंड ऑपरेशंस। वी नाउ शो दैट एफ इज फील्ड विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस। जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर ऑपरेशंस लिख लिए हैं। अब देखिए वी नाउ शो एफ इज फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अबव ऑपरेशंस। तो इसके लिए मुझे फील्ड शो करने के लिए अपने सारे एक्सियम्स शो करने होंगे। तो पहले बात करेंगे एडिशन के एक्सियम्स की। सो फर्स्ट वन इज क्लोजर, दो एलिमेंट लेते हैं, लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बाय बी एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी बाय डी बिलोंग्स टू एफ। अब इनका एडिशन
एफ में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए ये एफ में है तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी डी ये चारों डी में है और बी डी जीरो नहीं है, तो इनके एडिशन को कंसीडर करते हैं, ए बाय बी प्लस सी बाय डी। देखिए ये क्या हो जाएगा, एडिशन कैसे डिफाइन किया हमने, दिस विल बी ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी सॉरी बी डी, सो दिस विल बिलोंग्स टू एफ एज ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी बिलोंग्स टू डी। ये दोनों देखिए डी में क्यों बिलोंग करेंगे, डी क्या है एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो अगर ए बी सी डी डी के अंदर है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ए बी एंड सी डी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू डी, और जब ए बी सी डी डी में है तो इनका एडिशन भी डी में होगा, सो दिस अबव एलिमेंट विल बिलोंग्स टू डी। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है बी डी, ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, ये भी डी में बिलोंग करेगा और बी डी नॉन जीरो होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन भी है, तो दिस विल बिलोंग्स टू एफ। क्लोजर हो गया, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव इज फॉर यू डू योर सेल्फ। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो और एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। कंसीडर जीरो अपॉन वन, अब डी देखिए क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो वन डी के अंदर बिलोंग करेगा, तो ये एलिमेंट 0,1 डी के अंदर है और 1 जीरो नहीं है, सो दिस 0/1 विल बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड दिस विल एक्ट एज आइडेंटिटी। देखिए कैसे, कोई भी एलिमेंट लिया मैंने ए बाय बी प्लस 0/1, अब इनको ऐड करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई करके बी को सी से मल्टीप्लाई करके, सो ए इंटू डी यानी ए इंटू वन प्लस बी इंटू सी बी इंटू जीरो अपॉन बी इंटू डी बी इंटू वन, सो इट विल बी व्हाट, ए अपॉन बी, ये ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए बाय बी को इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बाय बी को जब मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0/1 में ऐड किया तो मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बाय बी मिला, तो इसका मतलब क्या है, 0/1 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस। ऐसे ही आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज इज द जीरो ऑफ एफ। फोर्थ एक्सियम क्या था हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव्स या एडिटिव इनवर्स। लेट ए बाय बी बिलोंग्स टू एफ, तो इसका मुझे नेगेटिव सोचना है, तो देखिए माइनस ए बाय बी भी एफ में बिलोंग करेगा एंड दिस विल एक्ट एज नेगेटिव ऑफ दिस। हाउ वी कैन सी हेयर, ए बाय बी प्लस माइनस ऑफ ए बाय बी, तो एडिशन कैसे डिफाइन था वैसे ही सॉल्व करता हूं, यानी कि ए डी ए बी प्लस बी माइनस ए अपॉन बी बी, सो इट विल बी ए बी माइनस बी ए, ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, दिस विल बी 0/b². अब देखिए आपको लग रहा होगा माइनस ए बाय बी हमारा एडिटिव इनवर्स नहीं हुआ क्योंकि हमें एडिटिव आइडेंटिटी तो मिली नहीं 0/1, बट दिस इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू 0/1 एज। अब देखिए इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो, तो 0/1 इज इक्वल टू b² × 0, ये भी जीरो आएगा ये भी जीरो आएगा, तो ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए 0/b² इज सेम एज 0/1, दोनों ही इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। तो ऐसे ही आप दूसरी साइड से भी कर सकते हैं, माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी विल गिव मी 0/1, सो इट मींस दैट माइनस ए बाय बी इज नेगेटिव ऑफ ए बाय बी। नेक्स्ट एग्जाम है हमारा कॉमुटेटिव लॉ, दिस इज फॉर योर सेल्फ, आप इसे खुद कीजिए। अब एग्जाम्स की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेटिव एग्जाम्स। पहला है इसके अंदर क्लोजर
सो ये आप खुद कर लीजिए। दूसरा है एसोसिएटिव, ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिए, हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। नाउ आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखिए, कंसिडर दिस एलिमेंट वन अपॉन वन, दिस विल एक्ट एज आइडेंटिटी वेयर वन बिलोंग्स टू डी एंड वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस विल क्लियरली बिलोंग्स टू एफ एंड दिस विल एक्ट एज आइडेंटिटी ऑल्सो। सी ए बाय बी इंटू वन अपॉन वन इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन बी इंटू वन, सो इट विल बी ए बाय बी ओनली। दूसरी साइड भी आप करके देख सकते हैं, तो दिस विल एक्ट एज आइडेंटिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेट ए बाय बी बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी मेरे डी में होंगे, बी मेरा नॉन जीरो है। अब ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि हमने जीरो क्या देखा था, जीरो एलिमेंट क्या था, जीरो अपॉन वन, तो इसीलिए न्यूमरेटर भी यहां पर नॉन जीरो होगा। अब मुझे शो करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए, इसका इनवर्स जो होगा वो इसका अपोजिट होगा। लेट अस टेक b बाय ए, तो जब इन दोनों को ऑपरेट करूंगा तो आएगा ए बी अपॉन बी ए, ए बी बी ए के इक्वल होता है, सो आई कैन राइट इट एज दिस। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है, ऐसा क्यों होगा, एज ए बी इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सेम रिजल्ट आएगा, इसीलिए ए बी अपॉन बी ए इज सेम एज वन अपॉन वन, यानी दोनों की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। और वन अपॉन वन क्या था, मेरा आइडेंटिटी था, तो यानी कि ए बी और बी ए का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे वन अपॉन वन इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी। ऐसे ही आप उल्टा भी देख सकते हैं, बी ए इंटू ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन वन। सो आपने देखा आइडेंटिटी आई वन अपॉन वन, इनवर्स आया जो भी एलिमेंट है ए अपॉन बी उसका उल्टा बी अपॉन ए। मल्टीप्लीकेशन के अंदर कॉम्यूटेटिविटी आप खुद कर लीजिए। एंड अवर लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, और ये भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें बताएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा पहले ही है और भी लंबा हो जाएगा। सो दीज थिंग यू डू बाय योरसेल्फ। ये सब प्रूफ करने के बाद वी विल कम टू नो दैट एफ इज अ फील्ड एंड दिस फील्ड इज नोन एज फील्ड ऑफ क्वेश्चंस। सो हमारी दो स्टेज पूरी हो गई हैं, हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि एफ फील्ड है, लेकिन हमारी थ्योरम क्या कहती है, यहीं पे नहीं रुकना, हमें स्टेज थ्री करनी है, हमें एक सबरिंग ढूंढनी है फील्ड एफ की जो कि आइसोमॉर्फिक होगी इंटीग्रल डोमेन डी के। तो चलिए उसको ढूंढते हैं। अब नाउ वी आर एट स्टेज थ्री, एफ कंटेन्स अ सबरिंग आइसोमॉर्फिक टू डी। अब आइसोमॉर्फिज्म की बात आ गई तो सबसे पहले मुझे एक मैपिंग डिफाइन करनी होगी। लेट अस डिफाइन फाई फ्रॉम डी टू एफ एज फाई ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बाय वन वेयर ए बिलोंग्स टू डी। देखिए डी क्या था, मेरा इंटीग्रल डोमेन, उससे मैंने एक फील्ड ऑफ क्वेश्चंस जनरेट किया और इन पर एक मैप डिफाइन किया कि फाई ए जो होगा वो ए अपॉन वन होगा। अब मैं ये शो करूंगा, सबसे पहले ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड शो करने के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट इक्वल लेंगे ए इक्वल टू बी, डोमेन मेरा डी है, मैंने डोमेन के दो एलिमेंट्स लिए। तो देखिए अगर ए इक्वल टू बी है तो जो इक्विवेलेंस क्लास होगी ए बाय वन वो बी बाय वन के इक्वल होगी, क्योंकि इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट बी, ये इक्वल होना चाहिए, और ये तो ट्रू है क्योंकि ए इक्वल टू बी है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस इक्वल आ गई, इसका मतलब इनकी इमेजेस इक्वल आ गई, फाई ए इक्वल टू फाई बी, इसका मतलब ये मैपिंग जो है वेल डिफाइंड है, मैपिंग डिफाइंड चेक हो गई। नाउ लेट अस चेक वन वन, भाई आइसोमॉर्फिज्म चाहिए तो वेल डिफाइंड, वन वन होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, ये चारों चीज चाहिए तो वन वन चेक करते हैं। वन वन के लिए क्या करेंगे, इमेजेस इक्वल लेंगे और एलिमेंट्स इक्वल दिखाएंगे,
टू शो ए इज इक्वल टू बी. फाई ये क्या है, ए अपॉन वन, फाई बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी अपॉन वन. दिस विल इंप्लाई व्हाट, ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट बी. दिस विल इंप्लाई ए इज इक्वल टू बी. तो मेरा वन वन भी आ गया. अब होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, फाई इज होमोमॉर्फिज्म. तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फाई ए प्लस बी, फाई ए प्लस फाई बी आना चाहिए, और उसके बाद फाई ए बी, फाई ए इंटू फाई बी आना चाहिए. तो चलिए फाई ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं. तो फाई ए प्लस बी क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए प्लस बी बाय वन. अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए इंटू वन प्लस वन इंटू बी अपॉन वन डॉट वन. यहां पर मैंने जो ग्रीन कलर से वन लिखे हैं ये मैंने इंसर्ट किए हैं नंबर्स, बाकी सारे नंबर्स पहले से थे. सो देखिए बाय ओवर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने कैसे डिफाइन किया था, इसको मैं लिख सकता हूं ए अपॉन वन प्लस बी अपॉन वन. ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब आप इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू फाइ ए प्लस फाइ बी. तो यहां से हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट होमोमॉर्फिज्म का. सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइ ऑफ ए बी इट विल बी व्हाट, ए बी बाय वन. तो यहां पर मुझे एक वन एक्स्ट्रा चाहिए, सो ए बी अपॉन वन अपॉन वन. इसको क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय वन इंटू ए बाय वन इंटू बी बाय वन. सो दिस इज फाइ ए फाइ बी. तो जो ये फाई मैपिंग हमने डिफाइन करी ये वेल डिफाइंड है, वन वन है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है. आइसोमॉर्फिक होने के लिए एक प्रॉपर्टी रह गई, दैट इज ऑन टू. अब देखिए फाई इज वन वन एंड रिंग होमोमॉर्फिज्म, देयरफोर फाई टू डी टू फाई ए इज एन आइसोमॉर्फिज्म. मैंने क्या किया, इस f को phi d से रिप्लेस कर दिया. डेफिनेटली ये मैपिंग ऑन टू है क्योंकि एक डोमेन से रेंज पर मैपिंग जो होती है वो ऑन टू होती है. phi d के अंदर तो वही सारे कलेक्शन है जो d के एलिमेंट्स को phi d के अंदर मैप करते हैं. डेफिनेटली दिस इज एन आइसोमॉर्फिज्म क्योंकि ये 1-1 और रिंग होमोमॉर्फिज्म पहले से था, ये ऑन टू भी है. सो दिस phi d टू phi d इज एन आइसोमॉर्फिज्म. ऑल्सो phi d इज कंटेन्ड इन f एंड phi d इज अ सब रिंग बींग होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग d. ये सब रिंग भी है, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग. phi d इज अ सब रिंग बींग होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ डी. दैट्स इट. यहां पर हमारा प्रूफ खत्म होता है जो हमें एफ के सबसेट पर डी से आइसोमॉर्फिज्म चाहिए था वो भी मिल गया. हेयर इट इज. तो ये मैंने प्रूफ तीन स्टेजेस में करके दिखाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे. अगर आपको कोई भी स्टेज क्लियर नहीं है तो आप उस स्टेज को पहले दोबारा से देखिए फिर आगे बढ़िए, आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे. पहले हमने फील्ड ऑफ क्वोशेंट्स को जनरेट किया, इसको जनरेट करने के लिए हमने सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को फॉलो किया कि भाई 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 एज 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2. यही रिलेशन को हम फॉलो करते हुए हमने देखा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस क्लासेस के कलेक्शन को हमने फील्ड ऑफ क्वेश्चंस का नाम दिया. फिर हमने उसे स्टेज टू में फील्ड प्रूफ किया कि वो फील्ड ऑफ क्वेश्चंस जो हमने बनाई है या क्वेश्चंस का जो हमने सेट बनाया है वो एक फील्ड है. और फिर लास्ट में हमने देखा
कि जो डी है इंटीग्रल डोमेन वो फील्ड ऑफ क्वोशेंट की सबरिंग के आइसोमॉर्फिक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।